हाय एवरीवन। तो आज का टॉपिक है हमारा एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि एडजस्टमेंट आप बिफोर क्लोजिंग ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट, जिसमें एडजस्टमेंट एरर्स हो रहे थे, ओमिशन हो रहे थे, लेकिन पार्टनरशिप अकाउंट क्लोज नहीं हुआ था। लेकिन आज के टॉपिक में हम ये देखेंगे कि अकाउंट्स क्लोज हो चुका है, उसके बाद एरर्स एंड ओमिशन का पता चलता है तो कैसे उसको सुधारेंगे। तो हल्का सा हिंट मैंने लास्ट वीडियो में ही आपको दे दिया था, उसमें मैंने बताया था कि अगर बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स होगा तो हम पीएल के थ्रू या पीएल अप्रोप्रिएशन के थ्रू उसको सुधार लेते थे, उसके बाद फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे। अब यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि जब भी गलती पता चलती है हमें, लेकिन हमारा अकाउंट क्लोज हो चुका है उसके बाद पता चलता है, तो ऐसे दशा में हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती है कि हमारी अकाउंट पहले क्लोज हो चुकी है, बैलेंस शीट सीए से हम ऑडिट करा चुके हैं, सीए का साइन हो चुका है, तो फिर उस बैलेंस शीट को चेंज करना, उस अकाउंट्स को फिर से बनाना, ये बहुत टफ का काम हो जाता है और जनरली ऐसा किया नहीं जा सकता, क्योंकि एक बार बैलेंस शीट हमारी साइन हो चुकी है, उसका ऑडिट हो चुका है, अकाउंट सभी क्लोज हो चुके हैं, तो फिर उसको हमें सुधारना होगा। तो उसके लिए हम एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। ये एडजस्टमेंट एंट्री हम पार्टनर्स के कैपिटल के थ्रू करते हैं। क्लियर हो गया? तो उसको मैं पहले लिख दिया हूं, सम टाइम आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म हैज बीन क्लोज, इट इज डिस्कवर्ड दैट देयर हैव बीन सम एरर आर ओमिशन इन द अकाउंट। यानी कि कभी कभी पार्टनरशिप अकाउंट क्लोज होने के बाद ये पता चलता है कि उस अकाउंट्स में कुछ गलतियां रह गई हैं, कुछ छूट गया है। इन सच केस इंस्टेड ऑफ अल्टरेटिंग द ओल्ड अकाउंट एंड द साइंड बैलेंस शीट, यानी कि हम ओल्ड अकाउंट जो हमारे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं उसको बदलने से बेहतर है, अब जो हमारे अकाउंट साइन हो चुके हैं यानी कि उसका एडिट होकर के सीए उस पे साइन कर चुका है, उसको बदलने से बेहतर है कि एन एडजस्टमेंट एंट्री फॉर सच एरर आर ओमिशन इज मेड, तो उसके लिए एक एडजस्टमेंट एंट्री कर लिया जाए एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी कि अगर हमारे इस साल 31 मार्च को ये अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, बैलेंस शीट बंद हो चुका है हमारा, हमारी अकाउंट सभी ऑडिट हो चुके हैं, उस पे सीए का साइन हो चुका है, उसके बाद हमें पता चला कि हमारी गलती फिर भी रह गई है कुछ, तो ऐसे दशा में हम इस गलती का सुधार अगले साल के बिगनिंग में ही यानी कि 1 अप्रैल को ही हम करेंगे। यानी कि पिछले साल हमें, इस साल जो क्लोज हुआ है, इस साल के अकाउंट्स हमें नहीं छूना है, अब हम अगले साल का जो अकाउंट ओपन करेंगे फिर से, जब हम जनरल एंट्री सुधार अपना करना प्रारंभ करेंगे, उसी में जनरल एंट्री हम कर लेंगे एडजस्टमेंट का, यानी कि जो इफेक्ट पड़ा है हमारे अकाउंट्स पे वो इफेक्ट समाप्त हो जाए। तो ये करते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर, यानी इस साल गलती हो गई तो इस गलती का सुधार हम अगले साल की शुरू में यानी कि 1 अप्रैल को कर देंगे। आगे कहता है एडजस्टमेंट एंट्री आर मेड थ्रू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो जो भी एडजस्टमेंट एंट्री होगा वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के थ्रू होगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है। यूजुअली द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट आर मेड, तो निम्न प्रकार की ये चार एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं, चार प्रकार की गलतियां प्रायः मिलेंगी बुक में। पहला होगा कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाना चाहिए। हो सकता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज ना किया गया हो। दूसरी गलती हो सकती है कि पार्टनर्स को सैलरी एंड कमीशन अलाउड है, हो सकता है लास्ट ईयर प्रॉफिट में हम सैलरी एंड कमीशन ना दिखाए हो। तीसरी गलती हो सकती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बुक में कुछ और दिया है लेकिन दूसरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया गया है। और नेक्स्ट गलती हो सकता है कि उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया जा चुका है, यानी कि पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दूसरा था
अब नया डिसीजन आया है कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दूसरा रखेंगे, लेकिन अगर आज हम डिसीजन ये करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा अब न्यू ये होगा, तो ऐसे दशा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक नई है, यानी कि पहले दूसरी थी अब दूसरी होगी, लेकिन इसका इफेक्ट पिछले 2 या 3 सालों से पड़ेगा, यानी कि गत वर्षों से इसका इफेक्ट लेना, तो ऐसे दशा में फिर हमें एडजस्टमेंट की एंट्री करनी पड़ेगी। यानी कि 4 तरह का हो सकता है। पहला, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आर ड्राइंग मे हैव बीन ओमिटेड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका भूल गया हो। दूसरा, व्हेन सैलरी आर कमीशन पेबल टू पार्टनर हैज बीन ओमिटेड, यानी कि सैलरी और कमीशन पार्टनर को देना वो भूल गए हम लोग। थर्ड है, व्हेन प्रॉफिट एंड लॉस हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस पार्टनरों में गलत रेशियो में बांट दिया गया है। और व्हेन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हैज बीन अल्टर्ड विथ इफेक्ट फ्रॉम सम पास्ट डे, तो जब आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदली जा रही है, लेकिन ये बदला जा रहा है पिछले कुछ दिनों से, यानी कि पिछले कुछ वर्षों से। क्लियर हो गया? ये 4 प्रकार की गलतियां हो सकती हैं। इन गलतियों को हम कैसे सुधारेंगे एडजस्टमेंट इंट्री के थ्रू, ये हमें देखना है। तो हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे, उस क्वेश्चन के आधार पे इन गलतियों को हम लोग सुधारेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट लेते हैं हम लोग कि आफ्टर द अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप हैव बीन ड्रॉन अप एंड द बुक क्लोज्ड ऑफ, यानी कि आपका अकाउंट ये बता रहा क्लोज हो चुका है। इट इज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट हैज बीन ओमिटेड टू रिकॉर्ड इट, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% दे रहा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% पर एनम आपको देना था, ये ओमिटेड हो चुका है। Their capital account at the beginning of the year stood as follows, तो उनकी capital है आपका, तीन partner है A, B और C, तो A की capital है आपकी 80,000 beginning में, इसका 40,000 और C की capital दी हुई है 30,000। Clear? The profit sharing ratio है आपका, रेशियो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का दिया हुआ है 2:1:1 का, 2:1:1 का। क्लियर? यानी कि प्रश्न क्या है आपका कि उनकी ओपनिंग कैपिटल जो दी है 80,000, 40,000 एंड 30,000 है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 का है, और उनको 8% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% अलाउड नहीं हुआ है। तो अगर ये गलती अगर हमें सुधारनी है, तो हम लोग एक टेबल बनाएंगे, टेबल में देखेंगे कि क्या इफेक्ट हुआ है, तो उसको समझिएगा। तो सबसे पहले हम टेबल फॉर एडजस्टमेंट बनाते हैं, टेबल फॉर एडजस्टमेंट तीन पार्टनर हैं ए बी और सी, और यहां पे हम ले लेते हैं टोटल। ये हो गया आपका पार्टिकुलर ए बी सी और ये टोटल। तो उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होना चाहिए था, नहीं दिया गया है, हम देखेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अब देखिए 80,000 आपका ए का है, 80,000 पे 8% निकालेंगे तो 6,400 हो गया। बी का निकालेंगे 40,000 पे 8% 3,200 हो गया, और सी का निकालेंगे 30,000 पे 8% तो
2400 हो गया, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8%, क्लियर हो गया। अब इन तीनों को सम करके टोटल में लिख लीजिए, 4 2 6 6 4 10, ये हो गया आपका 12,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर पार्टनर को मिलेगा तो इससे उनकी कैपिटल बढ़ेगी, यानी कि उनकी कैपिटल क्रेडिट होगा, एंट्री बनता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ऐसे दशा में पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट होगी, तो यहां पे हम डाल देते हैं क्रेडिट होना चाहिए था, ये उनके अकाउंट इतने इतने से क्रेडिट होना चाहिए था, लेकिन वो क्रेडिट नहीं किया गया। लेकिन इफेक्ट देखिए, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट थी वो प्रॉफिट घट गई होती, क्योंकि हम प्रॉफिट से ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड करेंगे तो हमारी प्रॉफिट क्या होगी, घट जाएगी। इट मींस कि बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड ही वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, तो जो घटा करके प्रॉफिट बांटना चाहिए था वो बिना घटाए ही प्रॉफिट बांट रहे हैं, यानी कि वो लोग प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा बांट रहे हैं, तो इसलिए उनकी कैपिटल बढ़ चुकी होगी। तो जितनी बड़ी है जो लोग ऑलरेडी बांटे हैं उतने से उनके कैपिटल को हम कम करेंगे तो डेबिट करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये प्रॉफिट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड वो प्रॉफिट ऑलरेडी वो लोग डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं। अब देखिए 12,000 की प्रॉफिट घटना चाहिए था, नहीं घटाया गया, तो 12,000 को लोग बांटे होंगे 2:1:1 में, तो एक निकला होगा, ये बांटे होंगे 12,000 इंटू 2/4, 4 से काटेंगे तो ये ए का 6,000 हो जाएगा और बी का 2 3,000 हो जाएगा, सी का 3,000, तो बी एंड सी का ईच का हो जाएगा 12,000 इंटू 1/4 यानी कि 3,000 3,000, तो इन इसका हो गया 6,000, इसका हो जाएगा 3,000 और इसका 3,000, दो तीनों सम करेंगे तो 12,000 ही आएगा। अब इफेक्ट देखिए, इतने से इससे इनकी कैपिटल क्रेडिट की जानी है और ये प्रॉफिट जो ऑलरेडी वो डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं तो इनसे उनकी कैपिटल डेबिट की जाएगी। यानी कि अब देखिएगा, डेबिट वाला ज्यादा है कि क्रेडिट वाला ज्यादा है, तो यहां पे क्रेडिट ज्यादा, यानी कि उनको 6,400 उनकी कैपिटल क्रेडिट होनी चाहिए थी और डेबिट होना चाहिए 6,000, यानी कि क्रेडिट का बचा कितना 400, तो क्रेडिट का बच रहा है इनका 400। इनमें देखिए इनका भी क्रेडिट का बच रहा है, इनका क्रेडिट बच रहा है 200 और इनका देखिए डेबिट एक्सेस हो गया है, तो डेबिट में से क्रेडिट घटा देंगे तो इनका डेबिट बच रहा है 600, क्लियर। अब आइए एडजस्टमेंट ड्यूटी अगर करेंगे आप, एडजस्टमेंट एंट्री तो होगा ए एंड बी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है और सी की कैपिटल डेबिट हो रही है, यहां पे कुछ नहीं आएगा इफेक्ट, इसमें से इसको घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, तो एंट्री बनेगा सीज कैपिटल अकाउंट डेयर डेयर टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीच कैपिटल अकाउंट, क्लियर हो गया। सी की कैपिटल डेबिट हो रही है 600 से,
ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है 400 से, बी की कैपिटल क्रेडिट होगी 200 से। क्लियर। अब इसका एक चीज आपको देखना है, जितने से इनका डेबिट होगा इन दोनों का मिला के उतने से ही क्रेडिट होगा, या इसका उल्टा हो सकता है कि जितने से इनका डेबिट होता है दोनों का उतने से क्रेडिट होता है। यानी कि कुछ भी ये वाला जो टोटल वाले बैलेंस जो आ रहे हैं इसमें हमेशा जीरो आना चाहिए, ठीक है। यानी कि कुछ पार्टनर्स के कैपिटल को डेबिट होगा तो रिमेनिंग पार्टनर्स की कैपिटल उतने ही अमाउंट के बराबर क्रेडिट होगा। तो क्लियर है, ये समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, ये क्वेश्चन मान लीजिए हम वन डाल देते हैं, क्वेश्चन वन। अब हम क्वेश्चन टू देखेंगे, इसी से इसी इफेक्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें देखिए, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:3। तो ए बी सी हैं, इनकी रेशियो अब जो दिया है ये, तीन पार्टनर हैं आपके ए बी सी, तो पार्टनर है ए बी सी, इनकी रेशियो जो दिया है वो दिया है 1:2:3 का, 1:2:3 का ये रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 8% ही दिया हुआ है। आगे कहता है देयर फिक्स्ड कैपिटल, अब ये लिखा है फिक्स्ड कैपिटल, ए का दिया हुआ है 4 लाख, 6 लाख एंड 8 लाख। तो ए का 4 लाख, बी का 6 लाख और सी का दिया हुआ है 8 लाख, ये कैपिटल दिया हुआ है। अब करना है कि पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, अब एडजस्टमेंट एंट्री आपको करने हैं। तो इसमें भी सवाल में सब कुछ वही है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1:2:3 का है, पार्टनर तीन ही है एबीसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% के रेट से देना चाहिए था जो कि नहीं दिए हैं लोग, यही गलती हुई है। और उनकी फिक्स्ड कैपिटल, एक वर्ड यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे फिक्स्ड कैपिटल दिया है। तो मैंने पहले ही बताया था जब फिक्स्ड कैपिटल दिया हो तो दो कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ता है, एक कैपिटल अकाउंट दूसरा करंट कैपिटल अकाउंट, और जो भी चेंजेज होंगे वो करंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू किए जाएंगे। तो यहां पर जो चेंज होना है वो करंट कैपिटल अकाउंट के थ्रू करना है। तो आइए अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग निकालते हैं, सेम यही क्वेश्चन आने देते हैं। टॉपिक ये आपका टेबल, केवल फिगर बदल जाएगा। अब आइए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालिए आप, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस पे 8% 4000 पे, तो ये हो जाएगा 3200, 4800 और इसका हो जाएगा 6400। सम करके बाहर कर दीजिए, 400 14400, क्लियर हो गया। अब प्रॉफिट इनके 14400 को ये लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होना चाहिए था, बिना अलाउड के ही बांट लिया, यानी 14400 को वो लोग 1:2:3 के रेशियो में बांट चुके हैं, तो इससे उनकी कैपिटल को डेबिट किया जाएगा। तो ए का हो जाएगा आपका 14400 × 1/6, 6 से काटिए 2400 आ रहा है, तो ए का 2400
बी का आप निकालेंगे तो 14,400 इंटू 2/6, तो इसका हो जाएगा 4,800, और सी का निकालेंगे 40,400 इंटू 3/6, तो इसका हो जाएगा 7,200, तो इसका 2,400, इनका 4,800 और इनका 7,200 सम करिए, ये 14,400 के ही बराबर आना चाहिए। 8 to 10, 4, 14, रिमेनिंग 1, 7, 1, 8, 8, 4, 12, 12, 2, 14, 14,400। अब इफेक्ट देख लीजिए क्या आ रहा है, इनका इफेक्ट अगर देखेंगे तो क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट में डेबिट घटा दीजिए, 800 इनका क्रेडिट का बच रहा है, इसका कुछ नहीं बचेगा, इसका 800 डेबिट का बचेगा, यानी कि ये इफेक्ट हो गया। एंट्री क्या बनेगा, ए की कैपिटल क्रेडिट होगी और सी की कैपिटल डेबिट होगी, बी पे कोई इफेक्ट नहीं, इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 4,800 मिलना था और ये प्रॉफिट भी 4,800 ही बांटा है, यानी कि जो इसको मिलना था वही वो बांटा है, इसलिए बी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। एंट्री बनेगा सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, आपका 800 और 800 से क्लियर हो गया। पूरा उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में ए बी सी एंड डी आर पार्टनर, यानी कि चार पार्टनर दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी। आगे कहता है इसमें इनकी रेशियो है 2:2:3:3 का, यानी कि जो रेशियो है यह है 2:2:3:3 का। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर हैज बीन क्लोज्ड, अकाउंट्स इनका क्लोज्ड हो चुका है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन टेकन इंटू कंसिडरेशन, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसिडरेशन नहीं हुआ है, यानी कि यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे इस प्रश्न में, ये क्वेश्चन नंबर 2 था, अभी क्वेश्चन नंबर हम 3 करने जा रहे हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है आपका तो ये प्रश्न क्या है, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन, द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ पार्टनर्स अमाउंट 800, 600 एंड 400, तो इसका 800 ए का, फिर 600 है बी का और सी का आपका दिया है 400, ये ए का है, ये बी का है और ये सी का है, क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिएगा, ये प्रश्न है सिंपल सा इनका, कि इसमें कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की इसने बात ही नहीं करी, इसने कहा कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो अलाउड होना चाहिए था, 800 ए को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज होना चाहिए था, बी को 600 चार्ज होना चाहिए था और सी को 400 चार्ज होना चाहिए था, कहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, इंटरेस्ट का रेट ऑफ ड्राइंग नहीं दिया है, उसके बाद आपका ड्राइंग का अमाउंट नहीं दिया है, ड्राइंग का डेट नहीं दिया है, तो हमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है, जो इंटरेस्ट दिया है हम यही ले लेंगे, क्लियर।
अब आप ये देखेंगे कि ड्राइंग जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब चार्ज होता है तो पार्टनर्स की कैपिटल क्रेडिट नहीं होती है, डेबिट होती है, यानी कि उनके कैपिटल से हम लोग काटते हैं पैसा। तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह पे क्वेश्चन थर्ड करने जा रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखेंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट नहीं बल्कि डेबिट होता है, तो डेबिट अमाउंट फिल कर दीजिए जो दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है इसका 800, इसका 600 और इसका 400, सम करके बाहर कर दीजिए 8, 6, 14, 4, 18, 1800 हो गया आपका। उसके बाद अब यही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है ये इसका इफेक्ट देखिएगा प्रॉफिट से क्या होना चाहिए था, तो प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमारी प्रॉफिट बढ़ती है, यानी कि हमारी प्रॉफिट 1800 से बढ़ जाना चाहिए था और जो पार्टनरों ने बांटा है वो 1800 और बांटना चाहिए था, 1800 और बांटना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं बांटा। तो यहां पे प्रॉफिट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड के जैसे हम लिखेंगे, प्रॉफिट हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर। तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट आप करेंगे तो उनके पार्टनर्स की कैपिटल को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्लियर। फिर से सुन लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज करता है फॉर्म, तो ये पार्टनर्स की कैपिटल घटती है जो नहीं घटाई गई थी, इसलिए हम डेबिट करके यहां पे पार्टनर्स की कैपिटल को घटा रहे हैं। अब जब ये चार्ज करता तो पार्टनरशिप फॉर्म की प्रॉफिट बढ़ जाती, बढ़ती यानी कि बढ़ा हुआ अमाउंट बांटना चाहिए था, वो लोग बढ़ा हुआ अमाउंट नहीं बांटे हैं, तो अब क्या करेंगे हम लोग, उसको बांटेंगे यानी कि उनकी कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहां कैपिटल को हम लोग क्रेडिट किए, क्लियर। अब कैसे बांटेंगे ये देखिए, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 800, 600, 400 दिया हुआ है तो यही डाल देंगे यहां पर 800, 600 और इसका निशानी प्रॉफिट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको हमें बांटना होगा 2:2, लेकिन तीन थोड़ा गड़बड़ हो गया, हमें चार पार्टनर बनाना चाहिए, तीन ही पार्टनर में काम चला लिए। फिर से देखते हैं, टेबल बनाते हैं हम लोग, तो आइए एक नया क्वेश्चन हम लोग लेते हैं थर्ड नंबर का। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी एंड डी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 2:2, 2:3, 3:3। तो चार पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2, 2:3, 3:3 का। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैड बीन क्लोज्ड, यानी अकाउंट क्लोज हो चुका है, इट वॉज फाउंड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 6% हैज नॉट बीन टेकन इनटू कंसीडरेशन। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% है जो कि कंसीडरेशन नहीं किया गया है, यानी कि अकाउंट क्लोज हो चुका है, ये गलती रह चुकी है। द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर वर
ए का है 20,000, बी का 24,000, सी का 32,000, डी का 44,000। गिव द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री। तो अब आप देखिएगा, चार पार्टनर हैं, ए बी सी और डी, क्लियर। इनकी रेशियो जो दिया हुआ है, ये रेशियो है 2:2:3:3 का, ये रेशियो दिया है। इनकी ड्राइंग दिया हुआ है, ड्राइंग आपका है 20,000, 24,000, 32,000 और इसका 44,000, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो है आपका 6% पर एनम, यह है 6% पर एनम, क्लियर। तो अब हम इसको कैसे करेंगे, इसमें इस गलती को कैसे सुधारेंगे, तो आप देखिए, अब आपको ध्यान क्या रखना है कि यहां पे जो क्वेश्चन है उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल न दे करके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए प्रॉफिट होती है, यानी कि ये पार्टनर से चार्ज किया जाता है। जब चार्ज किया जाएगा तो उनकी कैपिटल डेबिट की जाएगी। तो अभी तक जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम अलाउड कर रहे थे तो उनकी कैपिटल क्रेडिट कर रहे थे, लेकिन जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम चार्ज करेंगे तो उनके कैपिटल को हम डेबिट करेंगे। तो एडजस्टमेंट टेबल पर एडजस्टमेंट देखिए कैसे बनेगा। ये ए बी सी डी और ये टोटल ले लीजिए, ये हो गया आपका पार्टिकुलर, चलो नहीं रहा, पार्टिकुलर ये ए बी सी डी एंड ये टोटल हो गया। ये आप इनमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख लीजिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लीजिए। तो पहला हमने लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से पार्टनर्स की कैपिटल डेबिट होती है, यानी कि डेबिट लिखे डेबिट। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट दिया है और आगे पर एनम लिखा है, क्लियर। और दूसरा ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है यहाँ पे, और ड्राइंग का डेट नहीं दिया है। तो जब डेट नहीं दिया रहता है और परसेंटेज के आगे पर एनम लिखा रहता है तो हम सिक्स हाफ ईयर का निकालते हैं, यानी सिक्स मंथ का निकालते हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा, अगर ए का निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो ये 20,000 × 6/100 × 6/12, क्लियर। बी का करेंगे तो इसी तरह 24,000, और अगर इजी करना चाहते हैं तो 6% जो ये दिया हुआ है एक साल का 12 महीने का, हमें 6 महीने का निकालना है तो हम 3% डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम 6 × 6/12 करिए या सीधे 3/100 कर दिए, 3%, समझ में आया। साल भर का 6% है तो आधे साल का 3% हो जाएगा, क्लियर। उसी तरह सी का निकालेंगे आप तो इसका है 32,000 × 3/100, और बी का निकालेंगे तो ये आ जाएगा 44,000 × 3/100, क्लियर। तो इस तरह आप इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप निकाल लेंगे तो इनका जो निकल के आएगा ये 6 × 12 आ गया, तो वही देखिए 3 आ गया, इसका हो गया 600, इसका हो जाएगा
720 इसका हो जाएगा 960 और इसका हो जाएगा 1320। क्लियर? तो इंटरेस्ट एंड ड्राइंग आप डाल दीजिए यहां पे 600, इसका 720, इसका 960, इसका 1320। क्लियर हो गया? इंटरेस्ट एंड ड्राइंग निकल गया। अब इनको सम करके आप बाहर कर दिए टोटल में, तो 0 to 3600। क्लियर हो गया? तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपका 3600 हो गया। अब देखिए प्रॉफिट पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म को मिला होता तो उसकी प्रॉफिट बढ़ गई होती, यानी कि पार्टनर को बढ़ा हुआ प्रॉफिट मिलता। अब चूंकि फॉर्म ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया तो हमारा प्रॉफिट घट गया होगा, यानी कि घटा हुआ अमाउंट बांटे होंगे पार्टनर। तो अब क्या करेंगे, जितना ये अमाउंट है ये अमाउंट को पार्टनर अपने प्रॉफिट के रूप में बांटेंगे, तो उनकी कैपिटल क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो यहां पे अब लिखेंगे प्रॉफिट हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इनकी जो रेशियो होगी, ये जो आएगा ये क्रेडिट हो जाएगा। और क्या रेशियो होगा इनका, वही 2:2:3:3 के रेशियो में बांटेंगे। तो ए बी सी तीनों लोग बांट लेंगे। ए का देखिए, ए इक्वल टू हो जाएगा 3600 × 2/2 = 4, 4 and 6 = 10 हो जाएगा ये। तो ये आपका 720। बी का भी निकालेंगे तो 3600 × 2/10 यानी 720। सी का अगर आप करेंगे तो इसका हो जाएगा 3600 × 3/10 तो ये हो जाएगा 1080। क्लियर? और ये सेम यही डी का भी हो जाएगा क्योंकि सेम रेशियो है। तो ये आ जाएगा इसका 720, इनका भी 720, इसका 1080 और इसका भी 1080। अब आप इसका इफेक्ट देख लीजिए, इसको सम करेंगे तो इसी बराबर होना चाहिए क्योंकि यही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 0000। यही आ रहा है। अब यहां पे देखेंगे इफेक्ट देखिए, क्रेडिट ज्यादा है तो क्रेडिट में से डेबिट घटा देंगे, ये बचेगा 120 क्रेडिट का। इसका देखिए कुछ नहीं बचेगा, यहां पे क्रेडिट में से फिर ज्यादा एक्सेस है तो घटा देंगे। ये आ गया आपका क्रेडिट का ही एक्सेस है। इसमें आ जाइए 240, ये डेबिट का होगा। तो अगर इसकी एंट्री आप करेंगे तो एडजस्टमेंट एंट्री देखिएगा,
एंट्री ये बनेगा, ए की कैपिटल क्रेडिट हो रही है, सी की कैपिटल क्रेडिट हो रही है और डी की कैपिटल डेबिट हो रही है, तो एंट्री बनेगा डी कैपिटल अकाउंट डिया अकाउंट डिया टू एच कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। डी की कैपिटल आप डेबिट करेंगे 240 से और ए एंड सी का क्रेडिट करेंगे 120 से। क्लियर हो गया, जितने से डेबिट हो रहे हैं उतने से दोनों क्रेडिट होंगे। ये भी क्लियर हो गया आपका। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कह रहा है कि ए बी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 2:1 रेशियो। तो ए बी दो पार्टनर है, बता देता हूं सब, क्वेश्चन नंबर 4 हम करेंगे, दो पार्टनर हैं ए एंड बी, देखते हैं पार्टनर हैं ए और बी, इनकी रेशियो जो दिया है वो दिया है 2:1 का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March ए ड्राइंग व 5,000 पर मंथ ड्रॉ इन बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ एंड बी ड्राइंग व 2,500 पर मंथ ड्रॉ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो ए ड्राइंग है आपका 5,000 पर मंथ और ये है बिगनिंग में। क्लियर, बी का ड्राइंग है, बीज ड्राइंग है आपका 2,500 पर मंथ और ये एंड में ड्राइंग करा है, एंड मंथ के एंड में। क्लियर, After the preparation of final account, it was discovered that interest on age drawing 12% per annum was not taken into consideration. तो interest on age drawing at the rate of 12% per annum not taken into consideration, not taken into consideration, give the necessary adjusting entry। अब देखिएगा, तो अगर ये क्वेश्चन है आपका, तो इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं ए एंड बी, इनकी रेशियो है 2:1 का, ए का ड्राइंग है 5,000 पर मंथ जो कि मंथ के शुरू में ही ड्राइंग कर रहा है और बी का ड्राइंग है 2,500 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग 12% पर एनम नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन, यानी कि बी के ड्राइंग पे जो इंटरेस्ट बनता है वो तो कंसीडरेशन में लिया जा चुका है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि केवल ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसीडर नहीं हुआ है, तो जो गलती हुई है वो केवल ए के ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हुई है, तो हम जो भी रेक्टिफाई करेंगे वो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेंगे। क्लियर, तो हम कैसे करेंगे, देखिए
ड्राइंग पे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यहां हम निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जब कोई पार्टनर मंथली ड्राइंग कर रहा हो तो ऐसे दशा में एवरेज डेट के आधार पर या एवरेज पीरियड के आधार पे हम इंटरेस्ट निकालते हैं। तो ये मंथ के बिगिनिंग में कर रहा है तो एवरेज पीरियड आप निकालेंगे सबसे पहले, एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला है कि टाइम लेफ्ट या मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइडेड बाय टू, ये फार्मूला था। तो अगर मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग निकालेंगे तो मंथ के बिगनिंग में ही ड्राइंग कर रहा है ये, यानी कि अगर फर्स्ट अप्रैल को ये ड्राइंग करता है तो फर्स्ट अप्रैल से 31 मार्च पूरा 12 महीना हुआ तो 12 मंथ। और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम जो आज का लास्ट ड्राइंग जो था वो फर्स्ट मार्च को किया होगा, यानी कि फर्स्ट मार्च से 31 मार्च 1 मंथ, तो 1 मंथ डिवाइडेड बाय 2 यानी कि हो गया 13/2 यानी कि 6.5 मंथ। यानी कि इसका एवरेज पीरियड जो निकला वो निकला 6.5 मंथ का। अब आप इंटरेस्ट निकाल लीजिए, यहां पे इंटरेस्ट इक्वल टू हो जाएगा, ड्राइंग इसकी कितनी थी 5000 पर मंथ है तो 12 मंथ का हो जाएगा 60,000। तो 60,000 इंटू रेट आप इंटरेस्ट जो दिया है ये 12% दिया है तो 12/100 और इंटू एवरेज पीरियड, एवरेज पीरियड 6.5 मंथ दिया है तो 6.5/12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, ₹3,009। क्लियर हो गया। तो अब इनसे चार्ज होगा 3,900 एफ से, तो इसको कैसे करेंगे देख लीजिए, टोटल अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेंगे हम लोग यहां पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इनकी कैपिटल डेबिट होगी, केवल डेबिट होना है ए का क्योंकि ए से नहीं चार्ज हुआ है, तो 3,900, बी में कुछ नहीं होगा, यही 3,900 यहां पे आ जाएगा। क्लियर। आप 3,900 से हमारा प्रॉफिट कम रह गया होगा, तो इस प्रॉफिट जब बढ़ेगा 3,900 तो दोनों पार्टनर आपस में बांटेंगे किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में, तो प्रॉफिट हैव नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड तो इससे इनकी कैपिटल क्रेडिट होगी, आप बांट लीजिए इसको 2:1 में, तो ए का हो जाएगा 3,900 इंटू 2/3 2,600 और बी का हो जाएगा 3,900 इंटू 1/3 यानी कि 1,300। तो यहां पे आ जाएगा इनका 2,600 और इनका हो जाएगा 1,300
यहाँ पे हो जाएगा 3900। क्लियर। अब यहाँ पे आप देख लीजिए इफेक्ट क्या पड़ा, यहाँ पे देख लेंगे इफेक्ट। डेबिट ज्यादा है इनका और कितना ज्यादा है, तो 1300 इनका डेबिट होगा। इस पे देखिए इसका क्रेडिट ज्यादा है, डेबिट में कुछ नहीं है, तो इसका क्रेडिट होगा 1300। यानी कि एडजस्टमेंट इन चीजों बनेगा वो आपका होगा, बी की कैपिटल क्रेडिट होगी और ए की कैपिटल डेबिट होगी। तो यानी एंट्री बनेगा आपका, एंट्री आपका होना है बी की कैपिटल, ए की कैपिटल डेबिट होनी है, एज कैपिटल अकाउंट डी आर टू बीज कैपिटल अकाउंट 1300। क्लियर हो गया। तो ये था आपका इंटरेस्ट एंड ड्राइंग का क्वेश्चन नंबर 4। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5th। इसमें दिया हुआ है कि पी क्यू आर आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। द कैपिटल ऑन 1 अप्रैल वर 50,000, 30,000, 20,000 रिस्पेक्टिवली। एट द एंड ऑफ ईयर 31st March, it was found that interest on capital at the rate of 12% per annum, salary to P 500 per month and R 1000 per month were not adjusted from profit। यानी कि जब 31st March को उनका profit बनाया गया तो उसमें interest on capital नहीं दिखाया गया होगा, और पी की सैलरी 500 पर मंथ और आर की सैलरी 1000 पर मंथ नहीं एडजस्ट हुआ है। सो एंट्री टू बी मेड इन द नेक्स्ट ईयर फॉर अबव एडजस्टमेंट। तो आपको एक एंट्री बनाना है एडजस्टमेंट का। तो सेम वही क्वेश्चन एक बार मैं लिख देता हूं, देखिएगा। 3 पार्टनर हैं, पी क्यू आर, इनकी रेशियो जो दी हुई है वो रेशियो है आपका 2:1:1 का, 2:1:1 का। उसके बाद इनकी कैपिटल जो दिया हुआ है, ये कैपिटल जो है ये है 50,000, 30,000, 20,000। तो 50,000, 30,000 एंड 20,000 ये कैपिटल दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो सैलरी पहले लिख लेते हैं, सैलरी ये पर मंथ है, पर मंथ पी की सैलरी है 500 और आर की सैलरी है 1000। यानी कि क्यू को कोई सैलरी नहीं दी जा रही है। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका 12% है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, तो पर एनम दिया हुआ है ये। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको देना है, देंगे हम लोग। तीन पार्टनर पी क्यू आर और टोटल, ये हो गया पी क्यू आर और ये टोटल। अलाउड करिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये इनकी कैपिटल क्रेडिट होनी है क्योंकि उनको मिलेगा 12% पर एनम है और ये बिगनिंग का कैपिटल दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 6000 ए का 50000 पे 12% निकालेंगे, उसका 30000 में निकालेंगे तो 3600 और सी का 20000 में निकालेंगे तो 2400। सम करके बाहर कर दीजिए 000 12000, क्लियर हो गया ये। अब आएंगे सैलरी देना है तो सैलरी ए को देना है 500 पर मंथ, तो ये हो जाएगा 6000, 5 × 12 कर लेंगे, और आर को देना 1000 पर मंथ, तो इसका हो जाएगा 12000, टोटल जोड़ लेंगे ये हो जाएगा 18000, यानी कि सैलरी भी इनकी क्रेडिट की जानी है। टोटल अब जोड़ लीजिए इनका टोटल कितना क्रेडिट होना है, तो ये हो गया आपका 30000, ये जोड़ेंगे 14400, इसका 3600, इसका 12000, ये सम करेंगे तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। क्लियर, सही है, तो इसको हमने क्लोज ना करें, डायरेक्ट घटा देंगे, सिंगल आइटम है, मैं तो इसको क्लोज करके घटाते। चलिए तो 12000 ए को क्रेडिट होना है, ये क्रेडिट ए को होना है 12000, बी को क्रेडिट होना है 3600 एंड आर को क्रेडिट होना है 14400, टोटल 30000 इन लोग में क्रेडिट होना है, लेकिन बिना ये लोग इसको चार्ज किए ही प्रॉफिट आपस में डिस्ट्रीब्यूट करें, यानी कि प्रॉफिट बढ़ा के बांटे हैं, प्रॉफिट घट जाएगी इतने से, अब नहीं घटी होगी तो यानी कि बढ़ा के बांटे हैं, तो उनके प्रॉफिट से उनका कैपिटल को डेबिट करेंगे, यानी कि यहां पे लेस करेंगे, प्रॉफिट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, इनकी जो रेशियो है उस रेशियो में बांटे होंगे 2:1:1 में, तो इनसे इनकी कैपिटल डेबिट होनी है। अब आइए ए का निकालेंगे, तो ए का हो जाएगा 30000 × 2/4 से काट लीजिए, यानी कि ए का हो गया 15000 और बी एंड सी का हो जाएगा 30000 × 1/4 यानी कि 7500 ईच, तो इसका हो जाएगा आपका 15000, इसका 7500 और इसका भी 7500, यहां पे आपका 30000 ही रह जाएगा। अब आप डेबिट इसका एक्सेस है तो घटाएंगे, तो यानी डेबिट का बचेगा इसका 3000, इसका भी डेबिट एक्सेस है 3900,
और इनका क्रेडिट एक्सेस है, ये भी डेबिट बचेगा, इनका क्रेडिट बचेगा, घटा देंगे सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड, ये आ गया आपका इफेक्ट। क्लियर। अब इसकी अगर एंट्री आप करेंगे तो एंट्री आपका क्या बनेगा, देखिए सी आर की कैपिटल क्रेडिट हो रही है और पी एंड क्यू की कैपिटल डेबिट हो रही है, तो एंट्री बनेगा पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू आर्स कैपिटल अकाउंट। क्लियर। इनका हो जाएगा थ्री थाउजेंड, इनका थ्री थाउजेंड नाइन हंड्रेड और इसका हो जाएगा सिक्स थाउजेंड नाइन हंड्रेड। फिर वही इन दोनों का सम करेंगे, इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया।